जम्मू शहर में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि अगर आप अब ई रिक्शा चला रहे हैं या फिर ई रिक्शा खरीदने की सोच रहे हैं तो जनाब सावधान हो जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये चोर जो हुआ आपका ई रिक्शा लेकर भी फरार हो जाए। एक से एक अनोखी वारदातें जम्मू शहर में देखने को मिल रही है और इस समय हम ठीक जम्मू में मौजूद है और आपको बताते चले कि एक भाई साहब है जो जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ ई रिक्शा खरीदा था कि घर की रोजी रोटी अच्छी चलेगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ई रिक्शा जो है वो इन्हें घर के बाहर पार्क करना जो है भारी पड़ जाएगा। क्या नाम है सर आपका? कमल कुमार। कमल कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से ये रिक्शा चोरी हुआ, क्या पूरा मसला है? पूरा ये कि रिक्शा रात को बाहर लगाते हैं और ले गए कोई रात को 4-3 के बीच कोई ले गया, अभी उसकी किस्तें भी देनी मैंने। अभी पूरा मेरा शादी थी बांजी की, उधर लगा था 5-6 दिन में। आज मैंने सोचा चलो आज मैं उसको चलाऊंगा ठीक करूंगा, लेकिन रात को कोई ले गया। कोई कंप्लेंट वगैरह कराई आपने? कंप्लेंट मैंने दे के आया सुबह, एप्लीकेशन दी है मैंने पूनी चक चौकी में, उन्होंने कहा कि 2:30 बजे आना, हमारे कोई इधर सभी बंदे उधर गए कोर्ट में। अच्छा, हाँ जी। अभी पुलिस क्या कह रही है, कुछ कार्रवाई वगैरह करेंगे? बोले करेंगे हम, बोलना दोपहर को आना बोला हुआ, बोला दोपहर को आना। सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हैं इधर? लगा तो है, ये सामने लगा एक उधर पीछे है। अभी इनको बोला, मैंने ये बोल रहे हैं अभी खराब है हमारा, पता नहीं एक उधर देखा वो भी बोल रहे हैं कि चलाना नहीं आ रहा उनको, खोला था सुबह मैंने देखा था उधर जाके, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो ये क्या मतलब, क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, क्योंकि पहले कोई चोरियाँ होती थी यहाँ पे? हाँ पहले भी हुई है, हमारे घर में पहले हुई है, हमारे घर में 2 बकरी चोरी हो गई पहले। अच्छा, 2 बकरी चोरी हो गई थी और आपको कोई खोल के ले गया था, तब हम ताला नहीं लगाते थे, अब हम ताला भी लगाते हैं गेट को उसी डर की वजह से। काफी हैरान करने वाला ये मामला है, जम्मू के गोल पंचपीर इलाके की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि अपना ई रिक्शा जो है वो अपने घर के बाहर पार्क करते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ बदमाश है, ना जाने वो कौन लोग हैं जो कि इनका ई रिक्शा लेकर फरार हो गए। और भी लोग इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, चोरियां यहाँ पे पहले भी होती हैं? पहले भी होती हैं, ये नशे की वजह से इधर चोरियां बहुत हो रही हैं, क्या करें ना साहब। पुलिस नहीं करती कुछ यहाँ? पुलिस क्या करती है, पुलिस कार्रवाई करती है तो चले जाती है, उन्होंने क्या करना। अब सुबह गए थे, सुबह कह रहे हैं हमारे कोर्ट में, उधर वो कोर्ट से आएंगे फिर छानबीन करेंगे, हमने तो उधर दे दी है कंप्लेन, दे दी है उधर, तो कह रहे थे दोपहर को आएंगे। तो पहले जो चोरियां हुई है वो चोर पकड़े गए हैं, आज तक कोई सामान रिकवर हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो जनाब जम्मू जिले की पोंडीचक पुलिस से भी हमारी अपील है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए। सर ई रिक्शा का नंबर वगैरह कोई? 94-03। नहीं पूरा बताए ना, पूरा फाइल पर JK02DA जी, उसका है JK02CX। JK02CX हाँ जी, 94-03। 94-03 हाँ जी। किस कलर का ई रिक्शा? ब्लू कलर का हाँ जी। तो आप सब लोगों से कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने ई रिक्शा का नंबर बताया है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको उस नंबर का, अगर कोई रिक्शा वगैरह आपको दिखता है तो आप फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस को उस हवाले से जानकारी दें ताकि इनका चोरी किया गया रिक्शा जो हो बरामद किया जा सके। पुलिस से भी अपील है कि आप जल्द से जल्द इस तरह के बदमाशों को पकड़े, जब आप इस तरह में थोड़ी बहुत अगर लापरवाही करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं चोरों के हौसले जो हो बुलंद होंगे और जिसके चलते इस तरह की चोरियों की वारदातें बढ़ेंगी। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।